दुनिया की सबसे हसीन विलेन। फिल्म निकम्मा का ट्रेलर हुआ रिलीज, शिल्पा शेट्टी बनी सुपर वुमन। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जयसवाल। वेल, फिल्म निकम्मा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, अभिमन्यु दसानी और शर्ली सेठिया लीड रोल में दिखाई देंगे। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शब्बीर खान ने। वहीं दूसरी ओर शर्ली सेठिया, जिन्होंने सिंगर के तौर पे अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, वो निकम्मा फिल्म के साथ पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग की शुरुआत करने वाली है। इस फिल्म में शर्ली सेठिया और अभिमन्यु दसानी एक दूसरे के ऑपोजिट दिखेंगे। इस फिल्म में अभिमन्यु को एक निकम्मा की तौर पर दिखाया गया है, जो काफी चिल आउट लाइफ जी रहा है और आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहता है। अचानक फिर उसकी एक दिन मुलाकात होती है एक लड़की से, और उस लड़की को देखते ही अभिमन्यु निकम्मा अपना दिल हार बैठता है। इस फिल्म के ट्रेलर में शर्ली सेठिया काफी कम वक्त के लिए दिखाई दी है, लेकिन उनकी एक्टिंग भी काफी दमदार नहीं नजर आई है। शर्ली सेठिया और अभिमन्यु के बीच केमिस्ट्री कुछ खास नजर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं इस फिल्म के डायलॉग थोड़े से चीजें आपको जरूर लगेंगे। निकम्मा सिनेमाघरों में 17 जून को रिलीज होगी। शिल्पा शेट्टी पहले इस फिल्म के साथ अपना कमबैक करने जा रही थी, पर कोरोना लॉकडाउन के चलते निकम्मा की रिलीज में देर हुई। ऐसे में शिल्पा ने हंगामा 2 से अपना कमबैक किया। करीब 30 साल के करियर में पहली बार शिल्पा शेट्टी सुपरवुमन के अवतार में नजर आई है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद ये साफ हो गया है कि वास्तव में ये कोई सुपरवुमन वाली फिल्म नहीं है। निकम्मा में शिल्पा शेट्टी के अलावा भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दसानी भी लीड रोल में है। शिल्पा शेट्टी की मूवी निकम्मा, जब से इसका ऐलान किया गया है तब से यही कहा जा रहा था कि ये एक फिल्म सुपरवुमन की है, लेकिन इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ये लगता है कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि बात कुछ और ही है। जिस तरह से ये बताया गया था कि सुपरवुमन की एक मूवी होगी जिसमें शिल्पा शेट्टी उसका किरदार निभाएंगी, लेकिन ट्रेलर में देखा जा रहा है कि लीड रोल में अभिमन्यु दसानी जी। 2:54 के इस ट्रेलर में आधा वक्त खत्म हो जाने के बाद शिल्पा शेट्टी की सुपरवुमन के कॉस्ट्यूम में एंट्री होती है। इस फिल्म के मेन लीड अभिमन्यु दसानी उसे देखकर कहते हैं कि ये एक हसीना विलन है, लेकिन ऐसा कहने के कुछ देर बाद ही इस फिल्म के ट्रेलर में मेन विलन की एंट्री होती है, जो काफी खतरनाक है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये एक सुपरवुमन मूवी होगी और लोग काफी एक्साइटेड भी थे। 30 साल के करियर में पहली बार शिल्पा शेट्टी सुपरवुमन के किरदार में नजर आएंगी, लेकिन फिल्म के ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि फिल्म में सुपरवुमन के किरदार में वो काफी छोटी और कमजोर दिखाई दे रही है, जबकि मेन लीड में कोई और ही है। इस फिल्म में जो दिखाया जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी सुपरवुमन के किरदार में है, लेकिन ट्रेलर में नजर आ रहा है कि अभिमन्यु इस सुपरवुमन को बचाते हुए नजर आ रहे। अब देखना यह होगा कि शिल्पा शेट्टी सुपरवुमन के किरदार में किस तरह से लोगों का दिल जीतती है और धमाल मचाती है। इस ट्रेलर को देख के एक बात तो साफ हो गई है कि आखिर इसमें निकम्मा कौन है। इस फिल्म का आलसी और बेकार किरदार का भूमिका निभाने वाला अभिमन्यु दसानी ही है, जिनकी रोल की वजह से इस फिल्म का नाम निकम्मा पड़ा है। अब ये भी देखना होगा कि शिल्पा शेट्टी इस रोल के जरिए दर्शकों को कैसे आकर्षित कर पाती है। अगर आपने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा है तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सिनेमा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे थे फर्स्ट इंडिया फिल्मी।